अस्सलाम वालेकुम मिशी कुकिंग में आपको वेलकम। तो मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में टमाटो की पेस्ट और चिली की पेस्ट बताना बताई थी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये देखें कि मैंने ऐसे टमाटोज की प्योरी बना के इसको फ्रीज़ किया हुआ है, देख सकते हैं आप। और मैंने आपको एक चीज़ और दिखानी थी, ये देखें कि मैंने लिया था एक मरतबा पेस्ट ली थी जिंजर गार्लिक और चिलीज़ की पेस्ट। तो आप जो हैं इस तरह भी आप इसकी पेस्ट बना के रख सकते हैं कि आप चिली चिलीज़ को लें, गार्लिक को लें, जिंजर को लें, कि लहसुन अदरक और मिर्चों को लेके आप उनकी पेस्ट बना के भी इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने जब फ्रीज़ करना है तो उसमें आपने पानी नहीं डालना है, आपने ऑयल अंदर डाल के फिर इसको इसकी पेस्ट बनानी है, ब्लेंड करना है ऐसे ही जैसे मैंने आपको टमाटोज़ और चिलीज़ की बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये मैंने, ये देख रहे हैं आप, ये है मिंट पुदीना। ये मैं, ये भी मैं ऐसे करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। मैं तो इधर बाहर रहती हूँ तो यहाँ तो लाइट नहीं जाती है, तो फ्रिज के जो फ्रीज़र में कूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं जब पाकिस्तान जाऊंगी तो वहाँ भी मैं ये करके देखूंगी कि वहाँ क्या रिज़ल्ट आता है उसका। तो ये देखें, ये मैंने, ये आप देख सकते हैं, इसको आपने इस तरह करना है कि जब आप पुदीना लाएं तो आप उसकी पत्तियाँ काट लें। जब पत्तियाँ काट लें आप उसकी, तो उसके बाद जो है आप उसको धो लें। धोने के बाद आप उसको हल्का सा सुखा लें और उसको एक जार में टाइट करके बंद करके रख दें फ्रिज के फ्रीज़र में। और इसी तरह ये देखें, मैं आपको धनिया दिखाती हूँ। मैंने अभी बाहर रखा था, ये देखें, ये इसी तरह धनिया मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये धनिया की एक वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी आएगी। अभी इधर ज़रा लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है तो आपको इसलिए सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, ये भी मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था तो ये इस तरह हो गया है, वरना ये बिल्कुल जैसे अभी मैंने पुदीना आपको दिखाया बिल्कुल वैसे रहता है। इसका तरीका ये है कि आप जो है धनिया जो है उसको डंडियों समेत लेकर उसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसको फैला के रख दें जाली में या किसी कपड़े के ऊपर, जो जहाँ जाली में ज़्यादा बेस्ट है आप जाली में रखें। जब उसका हल्का सा पानी निचड़ जाए तो बस आपको जिस तरीके से उसकी कटिंग करनी है, जैसा रखना है, आप उसको उस तरह काटें और इसी तरह बॉक्स में जो है आप डाल के ये टाइट और फ्रिज के फ्रीज़र में रख दें। और दूसरी बात, मैंने आपको अपने चैनल में जो है मैंने आपको शामी कबाब की रेसिपी बताई थी, तो मैंने ये इसी तरह शामी कबाब जो हैं बना के उनको ऐसे फ्रीज़ करके रख लिया है। ये भी काफ़ी टाइम निकाल देते हैं आपके, आप अगर आप इस तरह करके रख दें तो आपको निकाला, फ्राई किया और खाया। और इसी तरह मैंने आपको कोफ्तों की भी रेसिपी दी थी, चिकन के कच्चे कबाब जो होते हैं उस तरह के भी। तो ये देखें, ये मैंने इनको ऐसे फ्रीज़ करके रखा है, बस फ्रिज के फ्रीज़र में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इनको शॉपिंग बैग्स में रख दिया था। ये देखें, इसी तरह शेप बना के आप रख दें इसको और यूज़ करें। ये क्या, आपको बिल्कुल एयर टाइट आपने रखना है, उसमें से हवा पास ना हो। और इसी तरह जो है मैं आपको कबाब की भी दिखाती हूँ कच्ची चीज़ें। तो ये देखें, ये कबाब, ये मैंने इसी तरह इनको शेप देके तो इसको मैंने फ्रिज के फ्रीज़र में रख लिया था। ऐसे ही आप शॉपर में पैक करके इसको फ्रिज के फ्रीज़र में रख लें। अगर आपके पास बॉक्सेस की जगह है तो आप बॉक्सेस में भी डाल के रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको गार्लिक और जिंजर की पेस्ट बताऊंगी वो किस तरह बनानी है। आई होप आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ पसंद आएंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।